9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात को एक साल मुकम्मल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा एक साल गुजर गया मगर कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूले हैं ना भूलेंगे। 9 मई महज तारीख का स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला करने वाली दो सोचों को अलग करने वाला दिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत, कहा 9 मई मुल्की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई को तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। 9 मई को सियासी तौर पर मुश्तिल हुजूम ने मुल्क में कोहराम मचाया, हमले रियासती रेट कानून की हुक्मरानी और इदारे कमजोर करने की कोशिश थे। बुनियादी हकूक का गलत इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का मुसल्ला अफवाज और उसके इदारों पर फख्र का इजहार, वफाकी काबीना का अहम इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। वजीर आजम काबीना फोरम से 9 मई वाकये पर खुसूसी पैगाम देंगे। दिल खराश वाकयात को एक साल मुकम्मल हो जाएगा और मैं ये समझता हूँ कि हमारी तारीख का एक स्याह तरीन बाब है। ये वाकयात जो 9 मई के थे, ये चश्मे फलक ने इससे पहले नहीं देखे। एक घिनौनी साजिश थी पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ। जो लोग इसमें मुलव्वस थे, नाकाबले तरदीद सबूत मौजूद हैं। 9 मई वाकया न कभी भूले न दोबारा ऐसा होने देंगे। 9 मई हमेशा स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। जिसके कॉल ऑफ फिल से तजाद हो उससे क्या बात करनी। विफाकी वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारिक का कहना है कि 9 मई वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ नाकाबले तरदीद सबूत मौजूद हैं। अदलिया से पूछते हैं कि केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचे, मुकदमात की तखीर किस बात की है, समझ नहीं आ रही, सबूत भी मौजूद हैं, उनके चेहरे बेनकाब करेंगे, कौम को दिखाएंगे, सब कुछ करके भी कहते हैं कि हमने ये नहीं किया। सियासी और समाजी और शोबिस शख्सियात का पाक फौज से इजहारी यकजहती, 9 मई वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत, वाकयात में मुलव्वस अनासर को करार वाकई सजा देने का मुतालबा, राहत फतेह अली लिबर्टी लाहौर में रैली में शरीक होंगे। कराची में सिविल सोसाइटी की 9 मई के हवाले से रैली, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत। स्टेटमेंट खान का मेरी सियासत के खात्मे के लिए काफी था, और मेरी क्या सियासत, मैं तो एमएनए भी नहीं बनना चाहता था, ये भी खान के कहने पे मैं बना और तीन दफा मैंने इनकार किया था। मैं खुद अलल ऐलान ये कह रहा हूँ कि आए ये हजरात क़यादत करें, एहतजाज करें और इंशाल्लाह हम इनकी पैरवी करेंगे। बानी पीटीआई का शेर अफसल मरवत से आज भी मिलने से इनकार, शेर अफसल मरवत परस पड़े, शिबली फराज और मायूब के साथ काम करने से इनकार कर दिया, इल्जाम लगाया मेरे अपने लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं, शिबली फराज और उमर अयूब ने मुलाकात नहीं होने दी। शेर अफजल मरवत का एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का ऐलान, कहा कि अब जेल में तभी आऊंगा जब बानी पीटीआई कहेंगे। पीटीआई का रद्द अमल, शेर अफजल मरवत को पीटीआई की सियासी कमेटी से निकाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप से भी फारिग कर दिया गया। चेयरमैन पीएससी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल, बानी पीटीआई ने नाम की मंजूरी दे दी। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकल करने का हुक्म, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन मौतल, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने गुज़श्ता हफ्ते फैसला महफूज किया था। बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस में कैद हैं। कानून नाफिज करने वालों का मैच कानून दानों से ही पड़ गया, लाहौर में पुलिस और वकलाम ने सामने जीपीओ चौक मैदान में जंग बना रहा। मुतालबात के हक में रैली निकालने पर पुलिस का एक्शन, पुलिस से शदीद झड़पे, मुतादिद जख्मी हुए, मुतादिद वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। वकला पर मुकदमात और सिविल अदालतों की मुंतकली के खिलाफ लाहौर पार्क की कॉल पर रैली निकाली गई। वकला ने हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस सामने आ गई, लाठीचार्ज और शेलिंग के लिए रास्ता रोका। वकला ने भी जवाबी पथराव किया, पुलिस ने वाटर कैनन से वकला को धो डाला। बार अहदेदारों से डीआईजी ऑपरेंस से मुजाकरात काम न आए। तसादुम में एसपी मॉडल टाउन समेत 7 एहलकार जख्मी हुए, एसएचओ नारकली शदीद जख्मी, जीपीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। वकला पर तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल की मुल्क भर में हड़ताल की कॉल।
वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। वजीर अला पंजाब की आईजी उस्मान अनवर को हिदायत। मरियम नवाज ने कहा वकला को भी चाहिए वो अपने मामला हाई कोर्ट के साथ खुश उसलूबी से हल करें। शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए महासराय से गुरेज किया जाए। वजीर कानून आजम नजीर कारर का वजीर अला पंजाब मरियम नवाज से राबता। मामला अफहाम व तफहीम से हल करने पर इतफाक। कायदीन ने कहा तसादुम किसी फरीक के हक में नहीं, मसाइल बातचीत से हल करना दानिशमंदी है। आजम नजीर तारर ने कहा पुलिस हिरासत से वकला को रिहा किया जाए, वकला दहशतगर्द नहीं। Without education, I don't think any nation has been able to make any kind of progress. Repeated quote from founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, education is a matter of life and death to our nation, quote unquote. In our country, this figure has been brought up time and again. There are 260 million boys and girls are out of school. वज़ीर आज़म का तालीमी शोबे की खुद निगरानी करने का ऐलान। तालीमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, बच्चों में ग़िज़ाई कमी भी बड़ा चैलेंज है। कौम किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरहट ने कहा पाकिस्तान को तालीम के बहरान का सामना है, गुरबत से निपटने में तालीम की अहमियत बुनियादी है। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान स्किल कंपनी और स्किल डेवलपमेंट फंड बनाने का भी हुक्म। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी और नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कमीशन में इस्लाहात का फैसला। कहा ऐसे लोगों की निशानदही की जाए जो अफरादी कुव्वत को धोखा देकर उनको मुआशी नुकसान पहुँचाते हैं। आवाम पर बिजलियाँ गिरा दी गईं। बिजली की कीमत में 2.83 रुपये फी यूनिट इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा, इजाफे से सारिफीन पर 26 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साबिक दौरे हुकूमत में सेहत पर तवज्जो न देने पर इजहार अफसोस। सेहत के हवाले से इजलास, मरीज अस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर शदीद बरहमी। साबिक तौर में खजाने को 4 अरब का नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि कौम के पैसे की हिफाजत हमारा फर्ज है, नुकसान पहुँचाने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्कमानिस्तान के सफीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में तजारत बढ़ा सकते हैं। मरियम नवाज से काजिकस्तान के सफीर की भी मुलाकात। दौरे काजिकस्तान की दावत कबूल की। जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दिए। 2 लार्जर बेंच तश्कील, सब केस को समाप्त के लिए मुकर्रर किया जाएगा। हीट वेव और तूफानी बारिशों का अलर्ट एक साथ जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में कयामत खेज गर्मी। लाहौर का पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। 10 मई तक पारा मजीद बढ़ने का इम्कान। कराची में भी दर्जा हरारत 37 डिग्री को छूगा। 10 से 11 मई को जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश का इम्कान। खड़ी फसलों को नुकसान का अंदेशा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। 9 मई एक साजिश थी, निशाना बानी पीटीआई थे। असद कैसर बोले जो इल्जामात तक है उसे मुस्तरद करते हैं। इल्जामात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। सेनेट पे अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा मुल्क में इस वक्त घुटन का माहौल है, आइन की तस्लीम की जा रही है, ऐसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। 9 मई के हवाले से अपोजिशन की पंजाब असेंबली में करारदाद। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। बा
अंबानी पीटीआई समेत चार लोगों की लीक्ड ऑडियोज इंटरनेट पर मौजूद हैं जिनमें साइफर से खेलने का जिक्र है। एफआईए प्रोसिक्यूटर के साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे मेरी और आपकी आवाज भी बनाई जा सकती है। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक हुई, बाद में तहकीक से गलत निकली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज को दुरुस्त मान लेते हैं? समात आज फिर होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की रियाद में सऊदी अरब मंसब से मुलाकात। वज़ीर पाफर की पाकिस्तान के तवानाई सेक्टर पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी माहरीन ने भी अपने एनर्जी सेक्टर पर ब्रीफ किया। बिजली के शोबे में एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने पर इत्तफाक। नायब सदर आलमी बैंक का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक इस्लाहात और तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर मुत्तफिक। अलामिया के मुताबिक नए मजबूत फ्रेमवर्क पर काम करने पर भी इत्तफाक। मार्टिन रेजर की वजीर आजम और आला हुकाम से मुलाकातें भी हुई। बर वक्त रवानगी और अदब मनसूखी, फ्लाई जुना की पहचान बन गई। सिविल एविएशन की रैंकिंग में फ्लाई जुना का फिर पहला नंबर। परवासों के मुकर्रर वक्त पर रवानगी का तनासब 84.47%। एयरलाइन चार्ट में आला मयार की कारकर्दगी का एहसास अपने नाम किया। फ्लाई जुना इंतजामिया का कहना है कि आला एहसास इंतहाई फख्र और खुशी का बायस है। पेशावर और लाहौर कोर में इजाजात और अवार्ड्स देने की तकरीब में पेशावर और लाहौर के कोर कमांडर्स की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक अफसरों और जवानों को सतारा इम्तियाज, तमगा इम्तियाज और तमगा बसालत से नवाजा गया। शोहदा के तमगे उनके अहले खाना ने वसूल किए। अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान की हुक्मरानी बरकरार। पाकिस्तान टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया, कनाडा को भी 5-4 से जेर कर दिया। पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट अबू बकर के 2 गोल्स, लियाकत अरशद, राणा वहीद और गसनफर ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान इवेंट के 3 मैच जीत चुका, 1 बराबर हुआ। ग्रीन टीम अहम टूर्नामेंट में अभी तक नाकाबले शिकस्त। 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। तुर्की में कार्गो कंपनी का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। लैंडिंग गियर खराब होने के बायस नोज लैंडिंग, पायलट ने जैम गियर के साथ ही तैयारे को उतारा। और महंगाई से परिंदे पालने का शौक भी मांग। परिंदों का दाना और जानवरों की खुराक पहुंच से बाहर। परिंदों का कारोबार करने वाले परेशान। शौकीन भी आहिस्ता आहिस्ता शौक से पीछे हटने लगे।